रेलवे को निजीकरण से बचाने के लिए जुटा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। बरेली ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर विरोध सप्ताह के आज तीसरे दिन रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन को स्वरूप देने के लिए शहर के विभिन्न वर्गों जिसमें प्रोफेसर, छात्र संघ, अभिभावक संघ, LIC, इनकम टैक्स, रोडवेज, व्यापारी संघ, बैंक, सेल टैक्स, RTI एक्टिविस्ट तथा व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा इत्यादि बरेली शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया। रेल के सम्मानित नागरिकगण, छात्र संघ के अध्यक्ष एवं अन्य समाज सेवी लोगों का भी मैं बहुत ही विनम्र तरीके से सम्मान करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है और मैं एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यह सेमिनार जो हम लोगों ने आयोजित किया है, इसमें शहर के सारे प्रभुत्व वर्गों को, जिसमें छात्र संघ भी हैं, जिसमें अभिभावक संघ भी हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें इंजीनियर हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर हैं, उन सभी लोगों के सामने आज इस सेमिनार का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि रेलवे का उपभोग गाहे बगाहे सभी लोग करते हैं। हर आदमी रेलवे में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में सफ़र करता है। तो अगर रेलवे को निजी हाथों में देने का कुचक जो भारत सरकार कर रही है, उसके क्या दुष्परिणाम आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर होने वाले हैं कि आपको जो अभी तक सब्सिडी मिल रही है, सीनियर सिटीजन की जो आपको छूट मिल रही है, जो स्टूडेंट को छूट मिल रही है, जो आपके महिलाओं को छूट मिल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं अगर आप इसको प्राइवेट हाथों में जाने देते हैं। तो इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करने के लिए ही आज इस हम लोगों ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। 14 तारीख से 19 तारीख तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और उसके महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी, उनके निर्देशन पर और ARF के आह्वान पर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कल हमारा शाम को 5 बजे स्कूटर और मोटरसाइकिल रैली है रेलवे कॉलोनी में और परसों हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और 19 तारीख को हम लोग भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को ट्वीट करके और अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि अगर रेलवे को निजी हाथों में सौंपा जाता है तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।